बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा इसमें? ऑफिसर भी बहुत अच्छा लगा था। ठीक हो। हाय फ्रेंड्स, मैं रवि बागड़ी पैसिफिक गोल्फ स्टेट से गोल्फ कोच। आज हम नई चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। पैसिफिक को जो रेजिडेंट है उनके लिए हमने 5 डेज का कैंप रखा है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि 5 दिन में बच्चों को या जो भी गोल्फ कैंप में आते हैं उनको हम गोल्फ सिखाएं। तो लेट्स सी क्या करना है। आज से वो कैंप शुरू हो जाएगा, अभी लोग आने वाले होंगे, देखते क्या होगा। और फिर एंड में हम उनसे जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस और उनको खेलने के बाद उनको कैसा लगा है 5 दिन बाद, और कि वो गोल्फ के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसमें हमारी लाइक सिमुलेटर क्लासेस भी होंगे, कोर्स लेसन्स भी होंगे। कोर्स में इतनी जल्दी जाना अलाउड नहीं है, बट फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे कि उनको बेस्ट से बेस्ट चीज़ दे सकें। तो प्लीज़ वीडियो में आगे देखिए किस तरीके से प्रैक्टिस हो रही है और किस तरीके से आगे चल रहे हैं। बने वन टू थ्री, वन टू थ्री। आवाज आई। मैं 2016 से इधर आपके इधर अकेडमी में एज अ कोचिंग काम कर रहा हूँ।
प्लस उससे पहले डीएसओआई में था मैं 2011 से, तो वहाँ पर पहले कोचिंग में काम किया। देहरादून गोल्फ अकेडमी जिस साल रवि वर्मा जी से हमने काम सीखा और इस तरीके से हम लोग आगे यहाँ पर हैं, काफ़ी टाइम से चल रहा है। अभी लाइक ये कि मेरा मेन मोटिव यही है कि लोगों को गोल्फ के बारे में ज़्यादा पता हो, क्योंकि उनका एक थॉट बना हुआ है कि गोल्फ एक बहुत बोरिंग गेम है पहली चीज, दूसरी चीज ये है कि उन्हें लगता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है। एक्सपेंसिव है बट ये कि जब आप सीख रहे हो किसी, ठीक है, बाकी एक इंडियन IGU कार्ड आता है, यदि आपके पास वो कार्ड है तो आप उसका यूज कर सकते हो कहीं पर भी, मतलब XYZ, मतलब एक कार्ड बनता है 19,000 रुपये का बनता है, ठीक है, और आप उसको ले आके कहीं पर भी ग्रीन फीस दे के खेल सकते हो किसी भी कोर्स में, जहाँ की मतलब 10,000 रुपये फीस होगी तो वहाँ ग्रीन फीस आपकी 1,000 से स्टार्ट होगी, वो थोड़ी कम से कम में ही आपकी होगी, क्योंकि आप एक IGU के मेंबर होंगे, आपको कोई मना नहीं कर सकता इंडिया में खेलने से, जी वो उसके डोमेन में आता है IGU में, ठीक है सर। दूसरी चीज ये है कि गोल्फ के बारे में, मतलब आप लोगों को मेरे ये कि कैंप लगाने के लिए था कि लोगों को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिले और लोग उसमें इंटरेस्टेड हों, तो जैसे कि आप एक दो दिन हो गया आपको लोगों को आते हुए, दो दिन तक आए हैं, तो उसका मतलब आज बैठे हो तो उसका मतलब आप लोगों को इंटरेस्ट है इसको जानने का। तो मेन हम लोगों का यहाँ ये है कि इसमें एक ना हम कोर्स करवाएंगा, ठीक है, कि वॉट इज़ गोल्फ, ठीक है, कि गोल्फ के बारे में मतलब कैसे उसको कम्प्लीट करते हैं और अपने इक्विपमेंट की पूरी जानकारी और किस तरीके से हम उसको खेलते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन पहले तो संजय उस एक होल को कंप्लीट करेगा और फिर अब आगे वाला सब लोग मिलके करोगे उसको, तो देखेंगे किसका क्या डिफिकल्टी आती है, ठीक है, ठीक। मेन चीज क्या है, इसके डिसिप्लिन रूल्स थोड़े से अलग है, ठीक है, लाइक जब आपके पास पूरा सेट है, ठीक है, तो आपको ये पूरे यूज करने आने चाहिए, ठीक है, जिससे कि इसमें ड्राइवर है, वुड है, रेस्क्यू है एंड अपना हाइब्रिड्स हैं, आयरन्स हैं, पटर है, लॉब है, तो इनके बारे में सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। ये ड्राइवर, ठीक है, उसके यहाँ रख देते हैं। ये होता है हमारा थ्री फुट, ठीक है। उसके बाद हमारे आता है रेस्क्यू, वुड और रेस्क्यू दिखने में सेम है बट दोनों के डिफरेंस है, दिखी लेकिन आपका वुड भी मतलब डिफरेंट मार देगा और बुरा जो रेस्क्यू है हमारा, जो बड़ी वाली जो थोड़ी हार्ड होती है ना ग्रास, उसमें लाइक बॉल उसके अंदर फंसा है तो उसमें हम ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं, ऐसे हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी आयरन को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरी की रेस्क्यू कहाँ यूज़ करना है, ठीक है, जहाँ पर थोड़ा सा ग्रास हार्ड है उस जगह पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इट्स कॉल्ड रेस्क्यू। ये हमारे आयरन होते हैं लाइक ये हमारे 3 से स्टार्ट होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आपका 10 मतलब पिचिंग वेट, फिर सेंड होगा 11, इस तरीके से फिर लॉब भी आ जाता है, तो ये डिस्टेंस के हिसाब से कि कितने कितना डिस्टेंस है, सबका एक डिस्टेंस है। जैसे ड्राइवर जो मारता है वो 300 यार्ड मारता है, ठीक है, फिर आपका वुड आपका 280, फिर आपका दूसरे नंबर छोटा, फिर 260, फिर और नंबर छोटा तो फिर 240, फिर 220, 200, 180, 160, इस तरीके से वो पूरा उनको रन करता है। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि लाइक हमने एक शॉट मारा और हमारे को पता है कि हमारा बैलेंस कितना बचा हुआ, लाइक 350 यार्ड मारना था, 300 में मेरे से 200 लगा दिया मैंने, तो मेरा जो बचा वो 150 बचा। अब 150 कौन सा आयरन मारते हैं वो सबसे बड़ा वो है, आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा आयरन कितनी स्पीड से कौन सी जगह पे मार सकता है, तो आपने इसमें से फिर वही उठाना है और उसी से आगे गेम खेलना है, यानी कि आप कोई भी बल्ला उठाएंगे और उससे मारना है। तो इनकी बहुत मतलब ये है कि जितने हमारे पास आयरन्स हैं उन अपने में ही वो बहुत सक्षम है और उनकी एक अलग क्वालिफिकेशन है कि भाई मैं इतना लाइक पिचिंग वेज आपको नॉर्मली आपको 130-150 के यार्ड में मारता है, तो आपका कितना मारता है तो वो आप प्रैक्टिस करके जानोगे कि मेरा आयरन इतना मारता है, तो अगली बार जब भी आप कहीं गोल्फ खेलने गए तो आपको बताया कि मुझे 150 मारना है, तो उसके लिए आप पिचिंग वेज उठा लेंगे, आपको बताया कि थोड़ा ईजी मारना है तो आप 9 उठा लेंगे, तो इस तरीके से सारे आयरन दे रखे होते हैं। अब मेन आ जाता है इसमें ब्रांड्स के बारे में कि भाई टेटलीज, टेलर मेड, थोड़ा यस बोलेंगे तो मुझे लगे वहाँ पर, ठीक है, ठीक है। ये है हमारा ग्रीन, यहाँ से यहाँ तक जाना है हमने, फाइन। ये अगल बगल दिख रहे हैं ये क्या है, सैंड, ये बंकर है, यहाँ पर भी बंकर है, ये जो हमारा लाइन दिख रहा है आपको एक बीच में ग्रीन सा पैच वाला दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड फेयरवे। क्या चीज है फेयरवे? फेयरवे कि हमें इस रोड से जाना है, अंडरस्टैंड,
ठीक है ना। अब ये यहाँ से डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, ये यहाँ से डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, और ये वाली जो पेड़ है ना ये भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। अब हमारा देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 358 यार्ड्स पार 4। इसका मतलब क्या हो गया, 4 शॉट्स पर 4 शॉट करना है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, बहुत अच्छे। यहाँ पर हमको 4 शॉट मिली हुई है, ठीक है, 10 होल नंबर है, ठीक है, ये 10वां नंबर है, मतलब ये बैक नाइन चल रहा है अभी हमारा ना, शायद ये गेम बीच में से स्टार्ट हुआ, 9 खेल चुके हैं, मतलब पहले नंबर ही आप लोग पहला ही समझो इसको 10 को ना, ठीक है सर। और इसने जो हमारे को कंप्यूटराइज ने दे रखा है कि भाई 350 यार्ड है, 350 यार्ड मतलब ड्राइवर से लगेगा, किससे लगेगा, ड्राइवर से लगेगा। तो इसने हमारे को समझ लीजिए कंप्यूटर हमारा कैडी है, तो संजय भैया आगे यहाँ पर ड्राइवर से पहली शॉट मारेंगे, ठीक है। आगे सर जी, वो सर बंकर क्या होता है, बंकर सर होता है जो आपने देखा होगा रेत के नहीं बने वो स्पॉट बंकर, ठीक है, तो उसमें होता है कि उसको थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, तो उस पर नहीं जाना चाहिए। कोशिश कर लीजिए कि उससे बच के रहें तो ज्यादा बेटर है। आपने बताया फेयरवे है, जो फेयरवे सीट में जो ग्रीन पाथ जा रहा है, हाँ जी, तो फेयरवे मतलब वो हमारा पाथ है, मतलब वो हमारे हाँ। चलने का पाथ है या बॉल का पाथ है, बॉल का पाथ है, जिस बॉल जिस डायरेक्शन में बॉल जाएगी उसी डायरेक्शन में हमने भी वॉक करनी है। अच्छा। तो फेयरवे वो उससे कहते हैं कि भाई सामने अच्छा फेयरवे अब मारो ऊपर की ओर, ये इस तरफ ही सर उस तरफ ज्यादा आ सकता है, इधर रहो इधर सेफ्टी पॉइंट ज्यादा बैठा, अच्छा इधर नहीं इधर रहो, अभी हटा दूंगा मैं इधर बुला दूंगा। अब संजय यहाँ पर आ गया है पहले नंबर टी ऑफ पे, और ये टी ऑफ कर रहा है, इसकी कोशिश रहेगी कि मैं 350 यार्ड तक के आसपास मारूं, ठीक है, ये पहली शॉट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये संजय इसको पूरा रिलैक्स करके बॉडी को अपने आप को स्विंग करेगा, ठीक है, ये अपना मारो मारो खुल के मारो, डरो मत, कोई दिक्कत नहीं किसी के नहीं लगेगी, संजय को टांग देंगे, ठीक है, ये संजय की प्रॉपर तरीके से कोर्स में स्विंग है, ठीक है। अब संजय उसको रियल बॉल समझेगा, क्योंकि ये आपका क्या करेगा, इसकी पूरी स्पीड को कैलकुलेट करेगा, आपके आयरन को बताएगा कि आयरन का आपका क्लब फेस राइट हुआ लेफ्ट हुआ इन हुआ आउट हुआ सब कुछ बता देगा, ठीक है। तो अब ये रेडी है शॉट के लिए, तो पहला टी ऑफ है, समझ लीजिए आपका भी लाइफ का पहला टी ऑफ यही है, क्योंकि आपने भी इसके बाद करना है। चलो नहीं मारेगा मजा आया। अब देखो ये बॉल जा रही है, तो संजय ने जो शॉट मारी है यहां से कितने प्लेयर का लगा रखा तुमने, दो का है, ठीक है। संजय जी थोड़ा सा लेफ्ट है, ठीक है सर, इसको रिवाइंड नहीं सकते, ठीक है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहां से इसने मेरे को क्यों दिया, पता है, ये दोनों है हम दोनों, ये मैं हूं, ये संजय, ठीक है। अब ये मुझे क्यों बोल रहा है पॉइंट आउट करने के लिए, संजय ने कितना मारा था, 250, और मैंने 36, तो इसका नाम पीछे कौन हुआ, आप, मैं हुआ, तो इसने मुझे बोला कि भाई आप मारो शॉट, जो पीछे होगा वो पहले खेलेगा, आप उसको जब पीछे वाले के लिए आप आगे नहीं जा सकते, आपकी बॉल आगे पड़ी है संजय की बॉल, तो संजय मेरे पीछे खड़ा होगा, आगे नहीं भागेगा क्योंकि बॉल इसके लग सकती है, ठीक। तो पहली चीज तो यही होगी। अब हमारे को ये बैलेंस क्या बता रहा है, 358 के बाद ये बैलेंस बता रहा है 140, 104, यदि संजय का 104 मिला दे और जो इसने मारा है तो कैलकुलेट करके वो यही आएगा 358 डन। तो संजय की अब ये शॉट ये सेकंड शॉट, तो मेरी है सॉरी। अब देखिए चला जाएगा वहां तक,
एक अच्छे प्लेयर का सेंटर चला जाएगा, तो आप नॉर्मल स्विंग करें और इसे ग्रीन पे लेके आए, इसमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। यदि ताकत लगाना होता तो ये मेरी तरफ पांच कर देगा, छह कर देगा, तो ये ओवर हो जाता। तो उसने क्या करा स्मार्टली, वो आयरन निकाल के बैग से हमें दे दिया कि भाई इससे 104 चला जाएगा, ठीक है। तो भी मेरी शॉट है, और हम फंस गए हैं बंकर में, ठीक है। या तो इसको शादी बोली शॉट का पूरा नतीजा, मैं आ गया साइड, ठीक है, मैं इधर आ गया, ठीक है सर। अब मैं क्या हो गया, अब संजय पीछे हो गया, अब संजय की सेकंड शॉट है। अलग अलग स्विंग है, कोई फुल स्विंग, कोई क्वार्टर स्विंग, वो अलग अलग स्विंग्स है। जैसे कि आपको क्वार्टर स्विंग भी बता देता हूँ मैं आपको, जब हम लोग इस तरीके से खेलते हैं यहाँ से इतना, दिस इज कॉल्ड क्वार्टर स्विंग, यहाँ से यहाँ तक करते हैं तो दिस इज कॉल्ड हाफ स्विंग, जब हम इसको यहाँ से लेकर ये पूरा घुमाते हैं तो दिस इज कॉल्ड फुल स्विंग, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हम सैंड से क्वार्टर स्विंग मारेंगे तो डिस्टेंस अलग होगा, हाफ मारेंगे तो डिस्टेंस अलग होगा, फुल मारेंगे तो एक डिस्टेंस अलग होगा। तो ये सीन है इनमें बल आयरन में। अभी हमारा सैंड है कंप्लीट यार्ड्स, तो फिर बंकर मार गए, क्योंकि शॉट सही नहीं लगी, तो हमारी संजय धो गई। फिर आगे अच्छा अपना ही है दूसरा वाला बटन है, दूसरा वाला इनके तीसरे खिलाड़ी को, तीसरे खिलाड़ी चले गए इनके। अच्छा अच्छा फर्स्ट वाला है ना, ये ऐसा अब देखिए ढलान है तो आपने ना स्लो मारना है, जितना पहले वाला था उससे भी कम मारना है आगे, वही समझ लो 10 पहले का हल्का मारना। गुड, फीट ओपन, फीट ओपन, थोड़ा 300 यार्ड, अब चलाओ हैं पाने ऐसे थोड़ी ना है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं लग रही शॉट, क्या बताएंगे आप बता। चला गया। ये तो विपिन का पैर है। वाओ बढ़िया, कुछ और नाइस, ये दूसरी टीम वाले में डिस्टर्ब कर रहे हैं पता है तुम्हें, आपको जो करना है आप वो करो इस वक्त। चलो कोई हार्ड लक, कम ऑन, थोड़ा सा इधर को फेस करो, इधर इधर को मारो वरना वो वहां चली जाएगी, वो वहां गिर जाएगी। कोई नहीं आप नहीं नहीं बड़े गड़ा पांव खोलो और खोलो, कितना खोल सकते हो, इतना खोल सकते हो, हेलो एक डेढ़ फीट तो खोलो। हां अभी कैसा लगा आपको खेल के? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा इसमें? ये गेम क्या सीखा आप इस गेम से? चलो कुछ नहीं, आप क्या सीखे? बहुत अच्छा मुझे लगा, एंड द बेस्ट पार्ट वाज जब हम पटिंग और ड्राइवर से शॉट मारते। अच्छा ड्राइवर से तो आपने ऑफिस में मारी थी, यहाँ तो मारी नहीं। बट देन ऑफिस में भी बहुत अच्छा लगा था। ठीक है गुड,
मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। ओके अब बच्चों के पापा से पूछते कैसा लगा, कहाँ गए बच्चे के पापा? ओके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं तो गोल्फ फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ एंड काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली कि कैसे आपको हर चीज़ पे हर शॉट पे बहुत कंट्रोल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और आई थिंक इससे लाइफ स्किल्स भी बहुत अच्छे इम्प्रूव होंगे एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं और खेलता रहूँ, बड़ा बड़ा मज़ा आया। तो अब आपके पापा से मिलते हैं, सर तो वैसे जीत चुके हैं, पार मारा इन्होंने ठीक है। तो मुझे तो ये गेम बहुत पसंद है और मेरा बहुत टाइम से सपना था कि मैं ये गेम शुरू करूं। ओके इसलिए ये भी एक रीज़न था यहाँ फ्लैट लेने का। तो आज अभी ट्रेनिंग करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और लगता है कि मैं इस गेम में काफ़ी इम्प्रूव कर सकता हूँ। बेस्ट ऑफ लक सर, हम आपके साथ हैं, जो हमारी मदद चाहिए होगी हम आपके साथ बिल्कुल लगे रहेंगे। तो सर आप बताएं आपको कैसा लगा? अच्छा आपकी टीम जीत चुकी है। अच्छा था, बस फोकस और चाहिए और अपनी पावर को कंट्रोल कैसे करना है वो सिखाया और अच्छा लगी और भी खेल सकता हूँ मैं, लर्न कर सकता जान। तो ये दीपक सर, दीपक सर क्या कहेंगे आप बच्चों के साथ में, इंडियन की बच्चों को आपने इस तरीके से देखा तो लाइक हमें तो फील, हमने तो वैसे भी मुझे खेलते हुए थोड़ा ही समय हुआ है पर बच्चों में जो उत्साह मैं देख रहा हूँ उसको देखते हुए लगता है कि ज़्यादा समय नहीं है कि हमें खतरा हो जाएगा कि हम जो सीखें ये हमसे आगे बढ़ेंगे और वही मैं चाहता हूँ, ये रेगुलर ज्वाइन करें और अपनी स्किल्स को और डेवलप करें, दैट इज़ गुड फॉर देम फॉर देयर कंसंट्रेशन फोकस एंड आई कैन एश्योर यू ऑल दीज थ्री किड्स फोर किड्स दैट इट विल इम्प्रूव योर फोकस अटेंशन एंड कंसंट्रेशन because this is a game of concentration and focus, so that's all, I wish you all the best, thank you, say thank you, chalo fir mujhe bye bye karo, tata।